और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज गांधी जयंती के उपलक्ष में राजधानी जयपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। अभी खादी ग्रामोद्योग पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और सीएम का पहुंचते ही यहाँ पर स्वागत हुआ है। गांधीनगर पहुंचे हैं, खादी ग्रामोद्योग गांधीनगर में जाकर खादी का जो सामान है, खादी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जाहिर तौर पर सीएम उन्हें देखेंगे और ख़रीदेंगे भी कुछ ना कुछ, लेंगे भी ज़रूर कुछ ना कुछ, क्योंकि आज बीजेपी के जो नेता हैं, आज बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान खादी को लेकर चला रही है। तो आज राजस्थान के भी नेता खादी के कपड़े खरीद कर एक बड़ा संदेश प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल खादी ग्रामोद्योग गांधीनगर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुँचे हैं, और अभी फ़िलहाल सीएम भजनलाल शर्मा महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए नज़र आ रहे हैं, बापू की प्रतिमा के सामने नमन करते हुए नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये दिन है। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से सीएम भजनलाल शर्मा ने कई बेघरों को पट्टा भी वितरित किया है। हमारे सहयोगी मलकान मीणा जुड़ चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा मलकान गांधी ग्राम उद्योग पहुंचे हैं और अभी फिलहाल महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, और क्या जानकारी, किस तरह का कार्यक्रम सीएम का रहने वाला है? देखिए बिल्कुल नंदन ने, आज जिन तरह से महात्मा गांधी की जयंती को लेकर पूरी तरह से दिन भर सीएम साहब के लगातार कार्यक्रम देखे जा रहे हैं, और अभी खादी ग्राम उद्योग भवन पहुंचे हैं। पहुंचते ही सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण की, अब उसके बाद में खादी ग्राम उद्योग के जो अंदर भवन है उसमें जा रहे हैं, और ऐसे में निरीक्षण करेंगे खादी ग्राम उद्योग का जो जहाँ ये है उसका पूरी तरह से अंदर जाकर निरीक्षण करेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि अधिकतर जब गांधी जयंती आती है तो 2 अक्टूबर को जो खादी है उस पर पूरी तरह से कहा जाए कि खादी का जो प्रकोप था, खादी का जो चरण था, यानी कि जो महात्मा गांधी के उस समय से देखा गया था कि खादी का सबसे ज्यादा प्रयोग अगर की गया था तो वो हमारे महात्मा गांधी ने किया था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो आज का जो ये है कार्यक्रम, उसी में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खादी ग्राम उद्योग पहुंचे हैं और वहां पर अंदर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, हर चीज की जानकारी ले रहे हैं, और यहां से वो शायद खादी के जो खरीदने का है वो कार्यक्रम यहां पर है। जी बिल्कुल, एक बड़ा संदेश खादी के कपड़े खरीद कर भाजपा के जो नेता हैं वो देश भर में देना चाहते हैं, जो देश के तमाम लोग हैं उन्हें, क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो खादी पहना करते थे, और इसीलिए एक संदेश खादी के कपड़े खरीद कर बीजेपी आज दे रही है कि लोग जो पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े हैं उनको, उनसे बेहतर खादी होता है, इस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और सीएम यहाँ पर कुछ कपड़ों का निरीक्षण भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा संदेश है मलखान, आज महात्मा गांधी की जयंती पर। देखिए बिल्कुल नंदन, जिस तरह से महात्मा गांधी की जयंती पर एक बड़ा संदेश भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खादी की खरीदारी कर रहे हैं, तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे देश की चीजें, हमारे यहाँ के जो खादी का कपड़ा है उसको आगे लाया जाए, और उसको देखते हुए आज खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जैसे कि खादी ग्राम उद्योग के भवन में पहुंचे तो वहां पर देखते ही कि कपड़ों का निरीक्षण किया, उसके बाद में खुद वहां के कपड़े खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे खादी के कपड़े हैं इसको आगे बढ़ाया जाए, खादी उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, तो उसी को देखते हुए ये आज राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद यहाँ से कपड़े खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। मलकान, ये जो खादी उद्योग को बढ़ावा देने वाली बात है, ये तो देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि खादी को लेकर जो उनका विशेष प्रेम रहा है और अभियान पर अभियान देश भर में खादी को लेकर चलाए गए हैं, तो उसी अभियान का, खादी को लेकर जो प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, उसका ये कहीं ना कहीं परिणाम कह सकते हैं कि आज इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और खादी उद्योग को देखिए बहुत बढ़ावा मिलेगा आज के दिन से,
क्योंकि आज बड़ी संख्या में जो भाजपा के नेता हैं वो इस तरीके से प्रमोट खादी के प्रोडक्ट को, खादी के कपड़ों को करते हुए नजर आ रहे हैं। नंदनी बात की जा रही है खादी की, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है जब 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और गांधी जी ने भी जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया था अपने तन पर तो वो खादी के कपड़ों का इस्तेमाल किया था, तो ऐसे में आज का जो खादी उद्योग के लिए भी बड़ा अहम दिन है और देश के लिए भी बड़ा अहम दिन है। जब जो हमारे देश को एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने खादी के कपड़ों को आगे लाए थे, वो भी देखा जा रहा है, उसी का जो परिणाम है वो आज सामने है। जब राजस्थान के खुद मुख्यमंत्री खादी के कपड़े खरीद रहे तो ऐसे में आम जनता के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि खादी के कपड़ों की आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो वो ही नजारा यहाँ देखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ से खादी के कपड़े खरीदते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जी क्या मलकान ना, आप तो इस वक्त मौजूद हैं, मुख्यमंत्री क्या देख रहे हैं खादी का, क्या क्या सीएम आप परिवार के लिए कुछ ले रहे हैं या फिर अपने लिए कुछ देख रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के सामने सब उन्हें सलाह भी दे रहे हैं कि देखिए ये अच्छा लग रहा है, इस तरीके से उन्हें अलग अलग वेराइटीज दिखाई जा रही हैं, शायद कुर्ते के कपड़े देख रहे हैं, लेकिन मलकान बताइए काफ़ी दिलचस्प ये तस्वीरें हैं। नंदनी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का एक अहम जो चीज देखी जाती है खादी का कुर्ता हो, खादी की ड्रेस हो, और वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बेहतर कुर्ता रहेगा, बेहतर कपड़ा है। और उसी तरीके से खुद भजन लाल कर्मो मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के, वो खुद के लिए कपड़े खरीद रहे हैं और अब उसके बाद में निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे कपड़े को देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल देखिए जिस तरह का जो कपड़ा है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं आप देख रहे हैं। और ये उनको कहा कि ये जो दुपट्टा उड़ाया, जो उड़ाया ये खादी ग्राम उद्योग की तरफ से बताया कि काफी बेहतरीन और अच्छा है, क्योंकि देखिए खादी के कपड़े हैं उसे बेहतरीन माना जाता है। वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है नंदनी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक ग्रामीण इलाके से निकले हुए हैं और खादी का जो प्रकोप देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, अधिकतर जो कहते हैं वो पहले खादी के ही कपड़े पहनते थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद ग्रामीण इलाके से तो कहीं ना कहीं मलकान ये देखिए यहाँ पर एक केसरिया रंग का खादी का जो दुपट्टा है वो सीएम को यहाँ पर उड़ाया गया, तो केसरिया रंग का खादी का कपड़ा सीएम के कंधों पर। और अभी ये जो तस्वीरें हैं बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री शायद मलकान इतनी अच्छी अच्छे यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि सीएम शायद खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या लें क्या ना लें। बिल्कुल इस तरह से नंदनी जब कपड़े खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं जब पसंद का सवाल आता है तो लगता है कि कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दुकान में जब जाते हैं तो सब कपड़े अच्छे लगते हैं, वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा देखे कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। और क्योंकि बड़ा प्रदेश की जनता भी बड़ा खुश हो रही होगी वैसे मलखान, ये तस्वीरें बड़ी एक संदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन सीएम खुद आए हैं और खादी ग्रामोद्योग से कुछ अपने लिए पसंद कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं ये तस्वीरें, हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद ने यहाँ पर ड्रेस खरीदी है और कुल मिलाकर यहाँ पर खरीदारी की है, तो उन्होंने अभी उसका पेमेंट भी कर रहे हैं, QR कोड से पेमेंट करेंगे, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बिल्कुल मुख्यमंत्री भजन लाल अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं और लगभग 3000 के लगभग बिलिंग है, तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खरीदारी की है और खुद देखिए QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि खादी का जो कपड़े मुख्यमंत्री ने खरीदे उसका पेमेंट भी खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। 3000 कुछ का बिल आप बता रहे हैं। जी 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 चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं ये कि एक खादी ग्राम उद्योग को अगर बढ़ावा मिलता है तो ये देश के तमाम उन खादी का व्यापार करने वाले लोगों का फायदा है। मलकान मुख्यमंत्री जल्दी बातचीत भी करेंगे ऐसी उम्मीद हम करते हैं, शुक्रिया बहरहाल आप, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए मलकान। और ये देखिए सीएम भजनलाल शर्मा को चरखा भेंट किया जा रहा है, वो चरखा जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चरखा चलाया करते थे और अपना एक बहुत बड़ा वक्त वो चरखे पर काम करते हुए दिया करते थे,
तो ऐसी ही एक प्रतिमा सीएम भजनलाल शर्मा को भेंट की गई है। और देखिए सीएम खादी ग्रामोद्योग पहुंचकर शॉपिंग कर चुके हैं और ये जो तस्वीरें हैं बड़ी दिलचस्प तस्वीरें तो हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है। और वो संदेश ये है कि खादी के जो कपड़े हैं वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है सभी के लिए और खादी ग्राम उद्योग को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, देश का ये प्रोडक्ट है। और महात्मा गांधी खादी पहना करते थे, खादी उनका पसंदीदा कपड़ा था, हमेशा अपने शरीर पर वो खादी के वस्त्र पहनकर और देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर खादी के कपड़ों की तरफ युवाओं का रुख और युवाओं का जो रुझान है वो बढ़े, इसी संदेश को देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए आज अभियान चलाया जा रहा है, ये संदेश, ये जो कार्यक्रम है ये भाजपा का कह सकते हैं, आपकी पार्टी के नेताओं का संयुक्त कार्यक्रम है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खादी ग्राम उद्योग जाकर खादी के वस्त्र उन्होंने खरीदे हैं और बिल भी सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे 3000 के लगभग बिल आया सीएम ने खादी से, शायद कुर्ते का एक कपड़ा लिया है। ज़रूर मुख्यमंत्री भी खादी ग्राम उद्योग आकर काफ़ी खुश हुए और बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने थे। तो ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प, आप सीएम यहाँ से खादी ग्राम उद्योग से रवाना हो रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और आज गांधी जयंती है और ऐसे में बैक टू बैक एक के बाद एक कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नजर